फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्लैमडिया। आज हम आपसे काफी कॉमन स्किन प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे। जिस प्रॉब्लम से वर्ल्ड में 90% लोग अफेक्टेड हैं और परेशान हैं। हम आपसे एक्ने के बारे में बात करेंगे, जो कि पिंपल्स हैं। हमारे स्किन में टाइनी होल्स होते हैं, जिन्हें हम पोर्स भी कहते हैं। ये ऑयल, बैक्टीरिया, डेड स्किन सेल्स और डर्ट से ब्लॉक हो जाते हैं। जब ये होता है तो अक्सर लोग पिंपल या जिट डेवलप कर लेते हैं। जिनकी स्किन रिपीटेडली इस कंडीशन से अफेक्ट होती है तो उनको एक्ने होता है। अमेरिकन एकेडमी ऑफ डर्मेटोलॉजी के अकॉर्डिंग एक्ने वर्ल्ड में मोस्ट कॉमन स्किन कंडीशन है, जो कि आमतौर पर हर किसी को हो जाती है। हालांकि एक्ने कोई लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन नहीं है, लेकिन ये पेनफुल भी हो सकता है, पर्टिकुलरली जब ये सीवियर हो, और ये इमोशनल डिस्ट्रेस भी कॉज कर सकता है। एक्ने जो फेस पर अपीयर होते हैं, ये सेल्फ एस्टीम पर अफेक्ट करते हैं, हमारे कॉन्फिडेंस को कम करते हैं, ओवर टाइम या परमानेंट फिजिकल स्कैरिंग भी कॉज कर सकते हैं। कई अब इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स एक्ने के लिए होते हैं, जो नंबर ऑफ पिंपल्स और चांस ऑफ स्कैरिंग को रिड्यूस करते हैं। कई बार दाग धब्बे भी हट जाते हैं। तो फ्रेंड्स, एक्ने से क्या सिम्टम्स होते हैं? एक्ने बॉडी पर ऑलमोस्ट कहीं भी मिल सकते हैं, चेहरा, हाथ, पैर, कहीं भी। ये कॉमनली फेस पे होते हैं, बैक, नेक, चेस्ट और शोल्डर्स पर डेवलप होते हैं। अगर किसी को एक्ने हो तो वो टिपिकली पिंपल्स नोटिस करते हैं, जो व्हाइट या फिर ब्लैक कलर के होते हैं। ब्लैक हेड्स स्किन के सरफेस पर ओपन होते हैं, जिसकी वजह से उनका कलर ब्लैक हो जाता है, क्योंकि वो एयर के ऑक्सीजन से एक्सपोज हो जाते हैं। जो व्हाइट हेड्स होते हैं वो क्लोज्ड होते हैं, ये स्किन की सरफेस के जस्ट नीचे होते हैं, जिसकी वजह से इनका व्हाइट अपीयरेंस होता है। और व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स सबसे ज्यादा कॉमन लेशेस एक्ने में होते हैं, लेकिन बाकी टाइप के भी अकर हो सकते हैं। जो कि इंफ्लेमेटरी लेशेस होते हैं, वो ज्यादातर स्किन में स्केरिंग कर देते हैं, यानी निशान छोड़ देते हैं। अब इसमें आते हैं टैपियोल्स, जो स्मॉल होते हैं, रेड होते हैं और ऊपर से उठे हुए होते हैं। ये इन्फ्लेम्ड या फिर इन्फेक्टेड हेयर फॉलिकल्स की वजह से भी होते हैं। पस्टल्स, जो स्मॉल रेड पिंपल्स होते हैं, जिनकी टिप्स पर पस होता है। नोड्यूल्स, ये सॉलिड और अक्सर पेनफुल लम्स होते हैं और स्किन के सरफेस के नीचे होते हैं। अब सिस्ट, लार्ज लम्स स्किन के नीचे होते हैं, जिसमें पस होता है, और ये यूजुअली पेनफुल भी होते हैं। तो एक्ने कैसे होते हैं? एक्ने तब होता है जब स्किन के पोर्स ऑयल, डेड स्किन या बैक्टीरिया से ब्लॉक हो जाते हैं। स्किन का हर एक पोर फॉलिसाइल की ओपनिंग होता है। फॉलिसाइल हेयर और सेबाशियस या ऑयल ग्लैंड से बना होता है। ऑयल ग्लैंड सेबम या ऑयल रिलीज करता है, जो हेयर तक ट्रैवल करता है, पोर के बाहर और स्किन के ऊपर तक आ जाता है। सेबम स्किन को लुब्रिकेटेड और सॉफ्ट रखता है। एक या उससे ज्यादा प्रॉब्लम्स में इस लुब्रिकेशन प्रोसेस होने से एक्ने हो जाते हैं। ये तब हो सकते हैं जब फॉलिसाइल से बहुत ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस हो रहा हो, पोर्स में डेड स्किन सेल्स एक्युमुलेट हो रही हो, पोर्स में बैक्टीरिया बिल्ड हो रहा हो। इन प्रॉब्लम्स की वजह से पिंपल्स मेजरली हो जाते हैं। पिंपल्स तब अपीयर नहीं होता जब बैक्टीरिया क्लॉग्ड पोर में ग्रो हो जाती है और ऑयल बाहर नहीं निकल पा रहा, तब अपीयर होता है। एक्ने डेवलप करने का रिस्क फैक्टर क्या होते हैं? अब एक्ने होने के कई मिथ्स काफी कॉमन है। कई लोग बिलीव करते हैं कि फूड्स जैसे कि चॉकलेट्स या फ्रेंच फ्राइज एक्ने में कंट्रीब्यूट करती है, यानी कि उससे एक्ने आ जाता है, लेकिन इन क्लेम्स का कोई भी साइंटिफिक सपोर्ट नहीं है। कई सर्टेन रिस्क फैक्टर्स हैं एक्ने डेवलप करने के लिए। इनमें से सबसे पहले आते हैं हार्मोनल चेंजेस, जो प्यूबर्टी या प्रेगनेंसी हो, दूसरा कुछ मेडिकेशन जैसे की सर्टेन बर्थ कंट्रोल पिल्स या फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, तीसरा वो डाइट जो रिफाइंड शुगर्स या कार्बोहाइड्रेट्स में हाई हो, जैसे कि ब्रेड और चिप्स। और पेरेंट्स के भी एक्ने होना, लोग सबसे ज्यादा एक्ने डेवलप करने के रिस्क पर तब होते हैं अपनी प्यूबर्टी के टाइम में। इस टाइम पर बॉडी में कई सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं और ये चेंजेस काफी ज्यादा ऑयल प्रोडक्शन को ट्रिगर करते हैं, जिससे कि इंक्रीज रिस्क ऑफ एक्ने होता है। और ये हार्मोनल एक्ने प्यूबर्टी से रिलेटेड होते हैं, वो यूजुअली सब्सिडाइज होते हैं या फिर एडल्टहुड आने तक वो एटलीस्ट इम्प्रूव हो जाते हैं। तो एक्ने का अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। एक्ने के ट्रीटमेंट में अगर घर की बात करें तो घर पे केयर और मेडिकेशंस दोनों हो जाते हैं। अब सेल्फ केयर एक्टिविटीज भी कुछ है जो आप घर पर खुद ही ट्राई कर सकते हैं, पिंपल्स प्रिवेंट करने के लिए और एक्ने को क्लियर अप करने के लिए। ये 6 एक्ने के लिए होम रेमेडीज है। एक्सेस ऑयल और डर्ट हटाने के लिए स्किन को माइल्ड सोप से वॉश करिए। दूसरा, हेयर को रेगुलरली शैम्पू करें और फेस पर ना आने दें।
थर्ड नॉट पोर क्लॉगिंग लेबल या वाटर बेस्ड मेकअप्स ही यूज करें। फोर्थ बैक्टीरिया और एक्सेस ऑयल स्प्रेड ना हो इसलिए पिंपल्स को स्क्वीज या पिक ना करें। फिफ्थ टाइट हेडबैंड्स और हैट्स पहनना अवॉइड करें। फेस टच ना करें अगर सेल्फ केयर से एक ने नहीं होते हैं तो कुछ और तरीके से काउंटर मेडिसिन अवेलेबल भी होती है। ये मेडिसिन स्किन में बैक्टीरिया को खत्म करने और ऑयल कम करने में हेल्प करती है। एक्ने के लिए चार कॉमन मेडिकेशन दी जाती है। पहला है बेंजोइल पेरोक्साइड, ये ज्यादातर क्रीम्स और जेल्स में होता है। ये एग्जिस्टिंग पिंपल्स को ड्राई आउट करते हैं और नए पिंपल्स आने से प्रिवेंट करते हैं। ये एक्ने कॉजिंग बैक्टीरिया को भी मारता है। आगे बात करें तो सल्फर, ये नेचुरल इंग्रेडिएंट है। इसमें एक स्पेशल स्मेल होती है जो कुछ लोशंस, क्लींजर्स और मास्क में भी आती है। थर्ड है रिसोर्टिनॉल, ये एक लेस कॉमन इंग्रेडिएंट है जो डेड स्किन सेल्स को रिमूव करने के लिए यूज होती है। फोर्थ है सैलिसिलिक एसिड, ये ज्यादातर सोप्स और एक्ने वॉशेस में यूज होता है। ये प्रिवेंट करता है पोर्स को प्लग्ड होने से। कभी कभी इन हेल्थ के बावजूद भी लोग सिम्टम्स एक्सपीरियंस करते हैं। अगर ऐसा हो तो उनको मेडिकल एडवाइस लेनी चाहिए बिना टेंशन लिए। डॉक्टर्स जैसी मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब करेंगे उन सिम्टम्स को रिड्यूस करने में हेल्प करेंगे और साथ ही उनके दाग और धब्बे भी नहीं आएंगे। अब इन मेडिकेशंस में क्या आता है? ओरल या फिर टॉपिकल एंटीबायोटिक्स, ये इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करती है और वो बैक्टीरिया को मारती है जिससे पिंपल्स होते हैं। एंटीबायोटिक्स टिपिकली शॉर्ट टाइम के लिए ही यूज करें ताकि बॉडी रेजिस्टेंस ना बिल्डअप कर ले और इन्फेक्शन होने के चांसेस ना बढ़े। आगे बात करें तो प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रॉपिकल क्रीम्स, रेटिनॉइक एसिड या प्रिस्क्रिप्शन स्ट्रेंथ बेंजोइल पेरोक्साइड अक्सर ओवर द काउंटर ट्रीटमेंट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये ऑयल प्रोडक्शन को रिड्यूस करने के लिए वर्क करते हैं। अब बेंजोइल पेरोक्साइड एक बैक्टीरियासाइडल एजेंट है जो कि एक तरह से सर्व करता है जो एक्ने कॉजिंग बैक्टीरिया रेजिस्टेंस को प्रिवेंट करता है। अब इसके मॉडरेट कॉम डाउन डी डिस्ट्रॉइंग और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी होती हैं। जिन वुमेन को हार्मोनल एक्ने होता है वो बर्थ कंट्रोल पिल्स या स्पायरोनोलैक्टोन से ट्रीट करी जाती है। ये मेडिकेशंस ऑयल प्रोडक्शन को डिक्रीज करके हार्मोन्स को रेगुलेट करती है जिससे एक्ने होते हैं। आगे बात करें तो आइसोट्रेटिनोइन या एक्यूटेन, ये विटामिन ए बेस्ड मेडिकेशंस हैं जो नोडुलर एक्ने के कुछ केसेस को ट्रीट करने के लिए दी जाती है। ये सीरियस साइड इफेक्ट्स कॉज करती हैं और ये सिर्फ तब यूज होती हैं जब बाकी ट्रीटमेंट्स नहीं वर्क कर पाते। इसके अलावा डॉक्टर्स कुछ और प्रोसीजर्स भी रिकमेंड करते हैं जो सीवियर एक्ने को ट्रीट करने या फिर स्कैरिंग दाग धब्बे को हटाने के लिए ये प्रोसीजर वर्क करते हैं जो कि डैमेज स्किन को रिमूव करके ऑयल प्रोडक्शन को रिड्यूस कर देती हैं। अब आगे बात करें तो फोर कॉमन ट्रीटमेंट्स जो कि होते हैं फोटो डायनामिक थेरेपी, ये ट्रीटमेंट मेडिकेशन और स्पेशल लाइट या लेजर यूज करती है जिससे ऑयल प्रोडक्शन एंड बैक्टीरिया को कम किया जाता है। बाकी लेजर सिर्फ एक्ने या फिर स्कैरिंग को इम्प्रूव करने के लिए यूज किया जाता है। आगे बात करें तो डर्मा ब्राइसन, ये स्किन के टॉप लेयर को रिमूव करता है और एक रोटेटिंग ब्रश के साथ ये एक्ने स्कारिंग के बेस्ट ट्रीटमेंट है ना कि एक्ने ट्रीटमेंट के लिए होता है। माइक्रोड वर्जन इसका एक माइल्डर ट्रीटमेंट है जो डेड स्किन सेल्स को रिमूव करने के लिए हेल्प करता है। केमिकल पील, अब ये स्किन की टॉप लेयर्स को रिमूव करता है, इससे स्किन पील ऑफ हो जाती है, यानी कि नीचे लेस डैमेज स्किन को रिवील करने के लिए अब केमिकल पील्स माइट एक्ने स्कैरिंग को इम्प्रूव करता है। आगे बात करें तो कॉर्टिसोन इंजेक्शन, डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि ये इंजेक्शन को लेने के लिए जब एक्ने में लार्ज सिस्ट हो। कॉर्टिसोन एक स्टेरॉइड है जो बॉडी नेचुरली प्रोड्यूस करती है, ये इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करती है और हीलिंग की स्पीड भी बढ़ा देती है। कॉर्टिसोन यूजुअली बाकी एक्ने ट्रीटमेंट्स के साथ यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ग्लैमडी आपको बताएगा कि हम एक्ने को भी कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, यानी कि आपको पिंपल्स आए ना, प्रॉब्लम्स हो ना। एक्ने को प्रिवेंट करना डिफिकल्ट होता है, लेकिन हम घर पर कुछ स्टेप्स ले सकते हैं ट्रीटमेंट के बाद एक्ने को प्रिवेंट करने के लिए। अब जैसे कि फेस को दिन में दो बार ऑयल फ्री क्लींजर से वॉश करना, एक्सेस ऑयल को रिमूव करने के लिए ओवर द काउंटर एक्ने क्रीम को यूज करना, अब उस मेकअप को अवॉइड करना जिसमें ऑयल हो, सोने से पहले मेकअप को रिमूव करना और स्किन को थरली अच्छे से वॉटर से क्लीन करना। खैर, ये तो रेगुलर चीजें हैं जो आपको डे टू डे बेसिस पे भी करनी चाहिए। एक्सरसाइज के बाद शावर लेना,
टाइट फिटिंग क्लोथ्स को अवॉइड करना, हेल्दी डाइट लेना जिसमें मिनिमल रिफाइंड शुगर्स हो और स्ट्रेस रिड्यूस करना। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको एक्ने से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई हो। इसको अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें, और अगर आपको भी एक्ने होता है तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि आज के डेट में ऐसा कुछ नहीं जिसको ठीक नहीं किया जाता। अपना सेल्फ एस्टीम, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस, इन सब चीजों से कभी लो ना करें। सब में कुछ ना कुछ कमियां होती है, तो हम उन्हें एक्सेप्ट करते चलते हैं। आई होप ग्लैमडिया ने आपको बहुत ही पॉजिटिव मैसेज दिया हो, और हम आपसे फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अलविदा।